हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जनरल बेसिस की रीडिंग है। आज के दिन में क्या कुछ एनर्जी आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए चेक करने वाले हैं। आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी आज के दिन में, यही एनर्जी को चेक करूंगी। सो गाइस जनरल बेसिस की रीडिंग है, आपके साथ में रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को देखें। ऑल साइन के लिए है रीडिंग, सो किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि आखिर आज के दिन में क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय, पॉजिटिव होकर देखिए हर रीडिंग को, सो डैट आपके साथ में जो एनर्जीज है वो रेजोनेट करें। सबसे पहले आपकी एनर्जीज आज के दिन में आपके लिए क्या कुछ एनर्जी आ रही है, देन चेक करूंगी आपके पर्सन के लिए क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आज के दिन में। सो ओके, फाइव ऑफ कप्स स्टार्टिंग एनर्जी मुझे आपके लिए इस टाइम पर फाइव ऑफ कप्स की मिल रही है। एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, ओके। सो आज के दिन में जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है ये, कि आप स्टार्टिंग में आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहे हो, किसी बात को लेकर दुखी नज़र आ रहे हो, किसी बात से मायूस नज़र आ रहे हो, जैसे आपको किसी चीज़ में जैसे मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा है आज के दिन में जो पास्ट का बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हो, कभी हैप्पी मोमेंट्स को सोच रहे हो पास्ट के, कभी पास्ट की कोई ऐसी चीज़ भी सोच रहे हो जिसको सोचकर आपको दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट किया है अपने रिलेशन को लेकर, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। साथ में कोई पर्सन ऐसे हैं जो मुझे आपकी लाइफ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। सो कोई ऐसे पर्सन है जो आज के दिन में आपके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो आपसे आज के दिन में आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलने के लिए कोई पर्सन आज के दिन मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज गाइस आज की हैं, यहाँ पर आपके साथ में कुछ टाइम में भी जो है रेजोनेट कर सकते हैं, कि कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दुखी हो रहे हो, मायूस हो रहे हो, बट कोई पर्सन इस टाइम पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके अलावा इस टाइम पर वो जो भी पर्सन है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो आप ही के बारे में कोई चीज़ है बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो इन पर्सन के साथ में गाइस मुझे आपका ऐसा रिलेशन नज़र आ रहा है कि इस टाइम पर आप लोग के बीच में कोई डिस्टेंसेज है, कोई दूरी बता रहे हैं कार्ड मुझे यहाँ पर, कि आपके जो भी पर्सन हैं उनके साथ में इस टाइम पर दूरियाँ हैं, डिस्टेंसेज हैं, जिसको लेकर आप भी मुझे टेंशन में नज़र आ रहे हो, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा उस बारे में, परेशान हो रहे हो, बट उस चीज़ में कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी है। आज के दिन में ये एनर्जी मुझे मिल रही है, जिस भी चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर इतने निराश हो रहे हो अपने रिलेशन में, आपको एक फियर महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, तो मुझे उसके लिए एनर्जी मिल रही है कि उसमें कोई ग्रोथ की एनर्जी जो है बड़ी तेज़ी से आपके रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही है। आपके फेवर में कोई डिसीज़न मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर साथ में सिक्स ऑफ कप की भी एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है आज के दिन में आपके साथ में लाइक कोई या तो हैप्पी मोमेंट्स को बिताना चाहते हैं, कोई टाइम स्पेंड करने के बारे में आपके साथ में सोच रहे हैं, कोई लविंग एनर्जी आपके साथ में जो है सोच रहे हैं, फिर किसी ऐसे मोमेंट को याद कर रहे हैं कि आप उनके साथ में जब बहुत ज़्यादा एक हैप्पीली लविंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। साथ में कोई जैसे मान लीजिए पर्सन जैसे हैं कोई आपको या तो कुछ देना चाह रहे हो, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो, कोई प्रेजेंट देना चाह रहे हो, लेकिन एक सरप्राइज़ की एनर्जी भी मेरे पास में मिल रही है। और एक एनर्जीज आपके लिए मैं आपके पर्सन के लिए ले लेती हूँ गाइस आज के दिन में, और क्लैरिफिकेशन के लिए पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं और एक एनर्जीज को लेना। हारमनी का कार्ड आपके लिए स्ट्रेस, ओके। सो स्ट्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप में से कुछ लोग जो है इस टाइम पर थोड़े से स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है गाइस, आपके करियर में भी हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से जैसे अटक गई है, स्टक एनर्जीज में आ गई है, वो चीज़ अब मुझे कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई हैप्पी टाइम मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो कोई ऐसी सिचुएशन आज के दिन में आपके पर्सन को महसूस हो सकती है, कि जैसे कि दिन पर दिन उनकी सिचुएशन आपके बिना अगर मैं बात करूँ, कि आपके साथ में अगर ये पर्सन किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन आपके पर्सन को किसी तरह कोई जो है फियर महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं
आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाएं, या फिर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कहीं सिचुएशन ऐसी ही ना होकर रह जाए। सो इन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज के दिन में सोच विचार कर रहे हैं, टेंशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रियलाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के दिन में इन पर्सन को, कुछ सोच रहे हैं आज के दिन में ये पर्सन। कुछ ऐसा है कि इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन को, या तो पास्ट की कोई मेमोरी इन पर्सन को याद आई है, या कोई फ्रेंड ने इनको कोई ऐसी बात करी है जिससे इन्हें पास्ट याद आया है, या फिर आपसे और इनसे जुड़ी कोई चीज़ इन पर्सन के सामने अचानक ही आज के दिन में ऐसी आ गई है जिसके बारे में ये पर्सन हो सकता है बिल्कुल हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में नॉर्मली जो है, क्योंकि मेरे पास में ऑर्डिनेस के कार्ड की भी एनर्जी, शायद ये पर्सन इस टाइम पर नॉर्मली अपने काम कर रहे हों, बिल्कुल डेली लाइफ रूटीन का एज इट इज़ चल रहा हो, बट सडनली अचानक से इन पर्सन को कहीं ना कहीं एकदम से ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पर्सन एकदम से पास्ट में चले गए हैं, और जैसे कि इनको कहीं ना कहीं एक साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी चीज़ों को जो है ये पर्सन ठीक करें। सो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ये जो भी पर्सन है आपके बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत गहराई से कोई बात और सिचुएशन को ये पर्सन जो है आपके साथ में ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आपके साथ में इन पर्सन का कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, गंभीरता से कोई चीज़ है जिस टाइम पर ये पर्सन सोच रहे हैं। सो क्लैरिफिकेशन मैं ये भी ले लेती हूँ गाइस, क्या कुछ है आज के दिन में इन पर्सन की एनर्जीज, किस बात को लेकर ये पर्सन इतना ज़्यादा, आखिर क्यों इनकी ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि इतना ज़्यादा ये पर्सन या तो गंभीर हो रहे हैं या फिर एकदम से जैसे इन पर्सन को कोई शॉकिंग चीज़ जो है इस टाइम पर पता चली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है इन पर्सन के साथ में। क्लैरिफिकेशन ओके, सो ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी हुई है आज इन पर्सन के साथ में जिससे इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइक ओके सो बर्डन, इनके मन में एक बर्डन है कुछ टाइम से, कोई ऐसी चीज़ है जिसे बहुत लंबे समय से पर्सन आपके जो है सोच रहे थे, लेट गो कर रहे थे, या फिर किसी तरीके से पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में, बट इस टाइम पर कोई ऐसी एनर्जी है इन पर्सन के साथ में या कुछ ऐसा है जिससे इन पर्सन को लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में ये पर्सन और नहीं रह सकते हैं, आपसे और दूर, आप इस सिचुएशन में इन पर्सन को एक बर्डन की तरह लग रहा है। अगर ये पर्सन अब आपसे थोड़ा भी जो है दूर रह रहे हैं, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बट उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन अपने मन में बर्डन को ले रहा है, और उस बर्डन से कहीं ना कहीं पर्सन डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन। सो गाइस आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।